तो दोस्तों मैंने शुरू कर लिया है अपना लंच ब्लॉग। टाइम है मॉर्निंग का, जब बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैं बनाने लगी थी नाश्ते के लिए पराठे। तो पराठे बनाते बनाते मुझे ध्यान आया कि थोड़ा सा सत्तू का भरावन भी फ्रिज में बचा हुआ है। तो मैंने कहा कि क्यों ना सत्तू भर के पराठे बनाए जाए। मुझे स्पेशली सत्तू भर के पराठे बहुत पसंद है। ये सत्तू का मसाला वही होता है जो हम लोग बाटी में डालते हैं। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो में लिट्टी चोखा की छोटी सी क्लिप भी शेयर करी थी, और ये वही भरावन है तो मेरे पास बची हुई थी। और ये फ्रिज में महीनों तक ख़राब नहीं होती, तो इसलिए जब भी मैं लिट्टी बनाती हूँ तो सत्तू का जो मसाला होता है वो बनाकर मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मुझे इसके पराठे पूरियाँ सब कुछ बहुत पसंद होती है। और सबसे बड़ी बात, जब इस पराठे को बनाते हैं तो इसके साथ ना ही किसी चटनी ना ही किसी अचार की ज़रूरत होती है। मैं तो इसे ऐसे ही एकदम सिंपल सा, मतलब कोरा सा ही खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो पराठे बनाए थे, और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आटे की लोई में भर कर पराठे मैंने बनाए हैं। और ये पराठे बेलते टाइम बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। आप इन्हें कितना भी भारी हाथों से बेलेंगे ना, ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। कुछ ऐसा होता ही है, बस आटे को आपको थोड़ा सा सॉफ्ट रखना होता है। तो इस तरह पराठे भी हम काफ़ी बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। और ये जो पराठे हैं, मतलब मेरे घर के जितने भी इस तरह पराठे होते हैं, मैं स्पेशली देसी घी से सेकती हूँ, क्योंकि हम लोग रोटी में घी लेना थोड़ा सा मतलब कम पसंद करते हैं। एक्चुअली दोनों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरा और मेरे हस्बैंड का, तो हम लोग रोटी में तो अवॉइड करते हैं। लेकिन कभी हाँ, अगर एक्स्ट्रा पराठे हम बनाकर खा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि चलो रिफाइंड की बजाय देसी घी में बनाकर खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गर्म तवे पर पराठे को डाला है, और ये पराठा इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि मैंने मेरी बेटी के लिए भी बचा कर रख दिया कि जब वो दोपहर में आएगी तो वो भी खाएगी। पराठे को नॉर्मल तरीके से सेकते हैं। अगर आपको सत्तू के मसाले की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए सत्तू के मसाला वाली बाटी की रेसिपी वापस से शेयर कर दूंगी। और यहाँ पर देसी घी है जिसको डालकर थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं बहुत थोड़ा सा डालती हूँ। कभी भी इसका पराठा बनाते समय ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डालूंगी, तो मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही यहाँ पर घी लगाकर पराठे को सेकना शुरू कर दिया है। और ये जो इस्टा पराठे होते हैं, मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि इनको मैं हाई फ्लेम पर ही सेकूँ, क्योंकि जितना ही हम इनको हाई फ्लेम पर सेकते हैं वो पराठे इतने ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। कई बार लोगों की शिकायत होती है कि भरवा पराठे बनाए लेकिन वो कड़क हो गए। उनका रीज़न यही होता है क्योंकि उन पराठों को वो लोग बहुत ही सिम फ्लेम पर सेकते हैं, जिससे क्या होता है धीमे धीमे वो इतना ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है कि आपको खाने में मज़ा नहीं आता। क्रिस्पी पराठे सिंपल वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इस्टा पराठे होते हैं तो वो सॉफ्ट अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा पराठा देखिए कितना बढ़िया तरीके से फूला है, और मेरे पास ये जो वुडन मेशर है इससे मैं पराठों को दबा देती हूँ जहाँ जहाँ पर सीके नहीं होते हैं। और कई बार लोग कमेंट करते हैं कि ये वुडन मेशर मैंने कहाँ से ख़रीदा। दोस्तों ये मैंने एक लोकल जो फेयर लगता है अलग अलग शहरों में, वहाँ से लिया था। तो ना ही मेरे पास इसकी लिंक है, ना ही कोई शॉप है जहाँ से मैं बता सकूँ, मैंने किसी फेयर से इसको लिया था। ये लीजिए, हमारे सत्तू भर के पराठे बनकर तैयार हैं, लग रहे हैं ना एकदम टेस्टी क्रिस्पी से। तो ये पराठे मैंने एक तो नाश्ते में खाए थे, और एक मैंने बचा कर रख दिया था कि बाद में दोपहर में खाने के लिए। और मेरे हस्बैंड ने रोटी खाई थी, और स्प्राउट्स मसाला मैंने बनाया था जिसके साथ उन्होंने खाया था। अभी मैंने दूसरा पराठा भी डाल दिया है, दूसरा पराठा भी मैं सेम तरीके से ही बनाती हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगी, आज मेरा प्लान ये था कि थोड़ा मुझे शूट करना था कुछ ऐसे रेसिपी वीडियोज़ का, क्लिप्स का, टिप्स एंड ट्रिक्स का। तो मैंने सोचा कि जो दोपहर की रोटी है वो भी मैं फटाफट से पहले ही निपटा कर रख देती हूँ, बाकी जो छोटे मोटे काम होते हैं लंच के वो मैं इसके बाद करने वाली थी। क्योंकि एक बार किचन समेट लो, साफ़ कर लो, तो फिर सब्जी वगैरह बनाने में किचन इतना गंदा नहीं होता जितना रोटी या पराठे बनाने में होता है। तो मेरी कोशिश यही थी कि पराठे रोटी जितने बनाने हैं वो मैं एक साथ बना कर रख दूँ, उसके बाद ही मैं जो है दूसरी चीज़ों पर हाथ लगाने वाली थी। और यहाँ पर भी इस पराठे को देखकर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वाह मेरा दूसरा पराठा ही फूल गया। वैसे मैं जब भी इस्टा पराठा बनाती हूँ तो वो फूलते ही फूलते हैं, इसलिए मुझे इस्टा पराठा बनाना इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी आलू के बनाती हूँ, कभी चने की दाल के, तो कभी सत्तू भर के, जैसे भी मन करता है वैसे मैं पराठे बनाकर इंजॉय करती रहती हूँ। तो यहाँ पर हमारा पराठा बनकर तैयार है। इसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ, किचन को समेटूँगी, मतलब किचन को क्लीन करूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर निकाल कर रखी है दही, जिसका भी आज मैं बनाने वाली थी रायता। तो दही मैंने रात ही जमा कर रखी थी, दही एकदम फ्रेश है, दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं। दही अभी आपको गाढ़ी दिख रही है, और आज मैं बनाने वाली थी बूंदी का रायता। तो दही को जब मैं फेंटती हूँ तो मैं थोड़ी सी चीनी या गुड़ पाउडर का यूज़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो रायता होता है वो सब मीठा खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ जैगरी पाउडर, गुड़ का पाउडर, जो कि एकदम प्योर ऑर्गेनिक होता है, मैं मार्केट से मंगाती हूँ। और यही जो जैगरी पाउडर है वो यही मैं चाय में भी इस्तेमाल करती हूँ। और इसके बाद से मैं ले रही हूँ रायता या फिर छाछ का मसाला जिसको आप बोल सकते हैं। इसमें मैंने भुना जीरा, काला नमक, सूखे पुदीने की पत्तियाँ और काली मिर्च, ये सारी चीज़ों को रोस्ट करके अच्छे से पीस कर डब्बे में भरकर रखा हुआ है, जिसे मैं कभी छाछ में और कभी रायते में इस्तेमाल करती हूँ। बेटी को भी छाछ बहुत पसंद है, तो उसके भी छाछ में मैं यही मसाला डाल कर देती हूँ। इसके बाद से बहुत थोड़ा सा है लाल मिर्च का पाउडर,
तो सारी चीज़ों को मिला लिया है। छाछ के मसाले में पहले से ही मैं वाइट नमक भी मिक्स करके रखती हूँ, तो अलग से मैंने इसलिए नमक नहीं डाला है। मिठास के लिए गुड़ पाउडर डाला है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब जब ये सारे मसाले मिक्स हो गए तो मैंने सोचा चलो अब बूंदी देख लेते हैं, पर मुझे ध्यान ही नहीं आया कि बूंदी जो थी पर वो बहुत थोड़ी सी थी घर में। अब इतनी ही बूंदी है पर मुझे चाहिए बूंदी ढेर सारी, बच्चों को भी बूंदी चाहिए होती रहते में। तो अब मैंने दिमाग लगाया कि अब क्या करें, फिर मैंने दिमाग लगाया कि चलो घर में जो मोटे सेब की नमकीन होती है क्यों ना उनका इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर ये मोटी जो गठिया वाली नमकीन है और मिक्स जो भुजिया की नमकीन होती है वो मैंने यहाँ पर ले ली। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो ट्विस्टेड रायता था वो खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था कि किसी को पता ही नहीं चला कि मैंने नमकीन को मिक्स करके रायता बनाया है। तो इस तरह से आज एक न्यू डिश का इन्वेंशन भी हो गया। तो अगर आपके पास बूंदी कम है तो इस तरह की नमकीन जो बेसन वाली होती है उनको डालकर भी आप रायता बना सकते हैं। अब इसके बाद से मैंने हरी धनिया की पत्तियां थोड़ी सी चॉप करके रखी थी और दही मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पर बूंदी को भिगाया नहीं है। तो जब बूंदी को भिगाते नहीं है तो बूंदी दही सोखती है और जब दही सोखेगी तो रायता हमारा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले ही इसमें पानी डालकर रखती हूँ क्योंकि बूंदी अगर पानी सोखेगा भी तो रायता हमारा गाढ़ा नहीं होगा। अब इसके बाद से कटी धनिया की पत्तियां जो कि रायते में बहुत टेस्टी लगती हैं, और बस इसको मिलाकर मैं क्या करूँगी फ्रिज में डालकर छोड़ दूंगी। और थोड़ी सी धनिया की पत्ती और बची कटी हुई तो मैंने कहा चलो सारी ही मिला देते हैं, तो खाने में और देखने में भी अच्छी लगती है। धनिया का फ्लेवर किसे नहीं पसंद होता। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी धनिया की पत्ती मिला दी और रायता भी अभी पतला है, पर जब मैं इसे निकालूंगी आधे से एक घंटे बाद तो मुझे पता है ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका रहेगा। तो मेरे घर में मोस्टली गाढ़ा रायता ही पसंद करते हैं। इसको ढककर और लेकर चलते हैं फ्रिज में रख देते हैं। तो मैं इसको लेकर चलती हूँ फ्रिज में रखने के लिए। फ्रिज में रखने से क्या होता है, एक डेढ़ घंटे में ही हमारा जो रायता है वो बहुत बढ़िया से ठंडा हो जाता है। तो बस इस तरीके से एक चीज़ तो मैंने बना ली। अब मैं आगे और क्या क्या चीज़ें बनाने वाली हूँ वो भी आगे आपको दिखाऊंगी। मेरे एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ से मैं भगोना रख रही थी इसलिए थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो गया। अब इसके बाद से मैं कट कर रही हूँ टमाटर और प्याज। मैं यहाँ बनाऊंगी एकदम स्पेशल सा राइस आज रायते के साथ, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इस राइस के लिए आपको अलग से राइस बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके घर में अगर कोई बचा हुआ राइस है जिसे आपने रात में ही बनाया है तो उससे भी आप ये रेसिपी को बना सकते हैं। तो मेरे पास भी कुछ ऐसा ही था, राइस बचे हुआ था एक छोटे से बर्तन में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस राइस का यूज़ कर लूँ। इसलिए मैंने रोटियाँ थोड़ी बनाई थी और मेरा सब्जी बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था। तो इस राइस को मैं ऐसा बनाने वाली हूँ जिससे आपको सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, इसलिए मैंने साइड में बस थोड़ा सा रायता बना लिया। तो मैंने यहाँ पर दो टमाटर चॉप किए और दो प्याज, दोनों को फाइन चॉप कर लिया है। आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, पर चूंकि घर में बच्चों को खाना होता है तो मैं हरी मिर्च ऐसे इस टाइप की चीज़ों में स्किप कर देती हूँ, जो चीज़ें स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। तो दो टमाटर और दो प्याज चॉप करके रखा है। और इसके बाद से ये है पनीर, और ये पनीर वो है जो हम लोग मलाई से घी निकालते हैं फिर बचे हुए पानी को फाड़ते हैं विनेगर डालकर, ये वो पनीर है जो चार पांच दिन से घर में रखा हुआ था इसलिए आपको आड़ा बेड़ा नज़र आ रहा है। तो मैंने इसके चारों तरफ के जो तिरछे तिरछे पार्ट थे वो काट कर अलग कर दिए, बीच की मोटी स्लाइस को अब मैं इस तरह से मोटे मोटे पार्ट में चॉप कर लूँगी। तो ये जो बीच वाला मोटा पार्ट मैं चॉप कर रही हूँ, मोटे पीसेस हैं, इनका मैं कुछ और बनाने वाली हूँ। और जो साइड के टेढ़े मेढ़े पार्ट हैं इनको मैं अपनी राइस में इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह से इतने से पनीर में मैं दो चीज़ों की वैरायटी बना दूंगी। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग कुछ क्रिएटिविटी भी करते हैं और बच्चों को पता भी नहीं चलता, उनको खाने में ये चीज़ें का मज़ा भी आता है। ये जो मोटे पीसेस हैं इनको पहले थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं। इस पे मैंने डाला है थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर जो थोड़ा सा तीखा होना चाहिए, बच्चों को भी अच्छा लगता है। और ये है जीरे का पाउडर, और इसके साथ आप काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने काली मिर्च का पाउडर नहीं डाला था। और आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर, और ये है मेरे हाथ में कसूरी मेथी जिसको मैंने क्रश करके डाला है, इससे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सारी चीज़ों को इस तरीके से मिलाएंगे। अब पनीर के सारे पीसेस को मैं पलट लूँगी, मैंने बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं है क्योंकि पनीर टूट जाता है। अब ऊपर से ढेर सारा भर भर के दूसरे साइड से चाट मसाला, जिससे हमारा दूसरा साइड भी जो है अच्छा सा मैरिनेट हो जाए, इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसको छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम किया है और इसमें जो पनीर के पीसेस हैं उनको डाल देते हैं। इसको हम छोड़ देंगे सिम फ्लेम पर एक साइड पकने के लिए। इसमें कुछ भी नहीं करना, इसको पका लेना है 5 से 7 मिनट। और जो नीचे का मसाला था प्लेट वाला वो भी मैंने डाल दिया। और अब मैं कर रही हूँ राइस की तैयारी। तो राइस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाला है 1 चम्मच, और इसी तेल में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरे का तड़का। बाकी चीज़ें मैंने तैयारी करके रखी है। हरी मटर को गर्म पानी में डालकर रखा था, थोड़े से मेरे पास स्वीट कॉर्न थे उनको भी मैंने रख लिया था। तो इस तरीके से क्या होता है, ढेर सारे वेजिटेबल्स, हेल्दी वेजिटेबल्स डालते हैं
तो बच्चे खाते भी हैं और हमारी जो रेसिपी है उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो जब बच्चों को खिलाना होता है तो मैं ढेर सारे ट्विस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट बच्चे खा तो लें। अब जैसे पनीर है तो पनीर की सब्जी खाते खाते बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पनीर की क्रिस्पी एकदम अलग स्टाइल से मैं तैयार कर रही हूँ जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अब जीरे के बाद हम डालेंगे प्याज और प्याज को भी हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट कर लेते हैं। प्याज जैसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा उसके बाद से इधर मैं देख रही हूँ कि पनीर हमारे थोड़े से एक साइड से क्रिस्प हो गए थे, अच्छे से गोल्डन हो गए थे, और बस इसको भी सारे पनीर के पीसेस को हम पलट लेते हैं और आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी दिख रहे हैं। तो ये जो क्रिस्पी टाइप के पनीर हैं ये चूँकि मैरिनेट मैंने किए थे मसालों में अच्छे से लेयर थी तो बहुत टेस्टी बने थे। इसके बाद से डाला है टमाटर और टमाटर को हल्का सा गलने देने के लिए मैंने हल्का सा सॉल्ट यहीं पर डाल दिया है, बाकी सॉल्ट मैं बाद में ऐड करूँगी। अब टमाटर के कुक होने का वेट करते हैं और साथ में डालते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, इसके अलावा नमक बाकी अपने राइस के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा धनिया का पाउडर। यहाँ पर मैं हल्दी का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरी बेटी जो है वो हल्दी बिल्कुल पसंद नहीं करती चावल के साथ। और थोड़ा सा गर्म मसाला है कसूरी मेथी है, तो यहाँ पर मैंने हल्दी स्किप की है, आप बनाएं तो आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरी बेटी जैसे ही येलो राइस देखती है तो उसको लगता है कि येलो राइस क्यों बनाया, कुछ अच्छा सा डिफरेंट होना चाहिए था। अब इसके साथ ही जो फ्रोज़न हमारे पास ग्रीन पीस होते हैं जो मैंने घर पे ही फ्रोज़न करके रखे हैं, मैंने 10 किलो हरे मटर फ्रीजर में डाल कर रखे हुए हैं तो उनका मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये है स्वीट कॉर्न जिनको गर्म पानी में डालकर निकाला है, तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, फिर भी इन सबको मिलाकर एक बार मैं क्या करूँगी ढक्कन लगाकर छोड़ दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद इधर हमारे पनीर क्रिस्पी बनकर तैयार है। आपने देखा ना दोस्तों कि कम तेल में भी पनीर की कितनी अच्छी रेसिपी हम बना सकते हैं। बच्चे इसे चटनी से एंजॉय कर सकते हैं, रायते के साथ खा सकते हैं, या ऐसे उठाकर खा सकते हैं। और इधर हमारे जो स्वीट कॉर्न है, पीस हैं, ये सारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब टाइम है जो मैंने पनीर के टुकड़े इस तरह से चॉप करके रखे थे टेढ़े मेढ़े से, वो भी यहाँ पर मिला दीजिए। ये भी बहुत ही हेल्दी वर्जन होता है राइस को खिलाने का। अब जब ये पनीर अच्छे से मिक्स हो गए, अलग से मैंने कोई मसाला नहीं डाला है, जो मसाला मैंने डाला था वो आपको दिखा दिया था। अब इसके बाद से जब हमारी सारी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, अच्छे से एकदम मिक्स हो जाएं, तब टाइम आता है राइस को मिलाने का। और जो राइस है वो फ्रिज में रखने से कड़क हो गया था, तो मैंने बहुत हल्का सा पानी डालकर इस राइस को अच्छे से फोड़ लिया, इसलिए अभी आपको हल्का सा गीला सा दिख रहा है। पर जब हम इसको सब्जियों के साथ मिक्स कर देंगे तो ये राइस बहुत ही बढ़िया सा हो जाएगा। और ये राइस मैंने नॉर्मल क्वालिटी के बनाए थे इसलिए आपको ऐसे दिख रहे हैं। बस इसको सब्जियों में अच्छे से मिलाइए, और मेरे पास था थोड़ा सा फ्रेश पुदीना, तो फ्रेश पुदीना की पत्तियों को मैं यहाँ पर डायरेक्ट चॉप करके डाल देती हूँ। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ऐसा लगता है जैसे बच्चे वेज बिरयानी खा रहे हों। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाइए, हमारी पूरी थाली बनकर तैयार है। ये हमारा राइस और रायता, पनीर की क्रिस्पी, थोड़ी सी हरी चटनी रखी है मैंने, और साथ में दिए हैं सत्तू के पराठे। तो हमारी ये पूरी थाली आपको कैसी लग रही है? मेरी बेटी को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, स्कूल से आने के बाद वो इतनी ज़्यादा खुश हुई, बहुत ही आराम से उसने लंच किया। तो इस तरह से कुछ इनोवेटिव चीज़ें बनाकर आप भी अपने घर वालों को सर्व करिए और मुझे फीडबैक दीजिए।